तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो लेटेस्ट किचन सेट। यहां पे दोस्तों जो फर्स्ट वाला है एप्पल टॉय की तरफ से बेबी किचन सेट, ये वाला जो किचन सेट है दोस्तों वो पूरा का पूरा स्टील का होता है। और यहां पे है लेटेस्ट मॉडर्न किचन सेट, जो ये वाला किचन सेट है वो दोस्तों प्लास्टिक का बना होता है। प्राइस की बात करते दोस्तों, ये जो वाला स्टील किचन सेट है वो मुझे 200 रुपए के आसपास मिला है, और ये जो मॉडर्न किचन सेट है वो दोस्तों मुझे 400 रुपए के आसपास मिला है। लास्ट वीडियो जरूर देखना, तभी आप लोगों को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला किचन सेट आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा वाला सही है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो मुझे पता है कि दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर पूरा करोगे। तो चले तो फिर ज्यादा वक्त ना गवाते, मैं फर्स्ट स्टील किचन सेट को ही ओपन करता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्स देख सकते होंगे आप लोग, काफी यूनिक बॉक्स है, और यहाँ पे जितनी भी चीजें अंदर आने वाली है सेम टू सेम यहाँ पे भी है। और ये देखिए कुछ इस तरह से बॉक्स है, तो इसको मैं खोल देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख ही सकते होंगे मैंने पैकेजिंग निकाल दी है, और यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे मिलने वाली है हमें दो चम्मच, स्टाइलिश चम्मच है, आप लोग देख सकते हैं। क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, स्टील की है। ये देखिए यहाँ पे मिलने वाली है एक और चम्मच, जो मैंने दोस्तों पहले दिखाई उससे काफ़ी छोटी है। यहाँ पे मिलने वाली है आपको एक छलनी, तो क्वालिटी दोस्तों देख ही सकते होंगे। यार पहले तो क्या है कि पूरा का पूरा स्टील का देते थे, लेकिन इस बार तो यार प्लास्टिक भी मिक्स कर दिया है इसके साथ, तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है दोस्तों, ये देखिए। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी कटोरी भी मिलने वाली है दूध बूध रखने के लिए। तो दोस्तों दोनों ही थाली सेम ही क्वालिटी की है, साइज़ का भी ऐसा नहीं कि कोई फ़र्क हो, सेम ही जैसे दिखने वाली, ये देखिए। और काफ़ी बेस्ट मटेरियल से बनी है, प्योर स्टील से। इस छोटे से ग्लास को मैं निकाल ही देता हूँ मैं। दोस्तों आप लोग छोटे ग्लास को देख सकते हैं, काफी यार छोटा दिया है और बहुत ही मजबूत है, ये देखिए दब ही नहीं रहा मेरे से तो। और ये रहा दोस्तों हमारा गैस स्टाव, जो आप लोगों ने यार पहले बहुत ही देखे हैं, सेमी क्वालिटी के हैं। ये देखिए यहाँ पे है ऑन ऑफ का स्विच, यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक यूज किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों एक और चम्मच मिलने वाली है, लेकिन क्वालिटी काफी बेस्ट है, ये छोटी वाली। और ये रहा हमारा दोस्तों प्रेशर कुकर, वही दोस्तों सेम ही क्वालिटी वाला, डिब्बे में सेट करके दे दिया है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक नॉर्मल चिमटा मिलने वाला है, जिसमें आप लोग चपाती वपाती बना सकते हो। और ये वाला जो चिमटा है दोस्तों वो दाल निकालने में मदद करता है, दाल या फिर राइस कुछ भी सब्जी हो उसको भी, तो काफ़ी बेस्ट है क्वालिटी में, दोनों के दोनों बेस्ट है। और यहाँ पे दोस्तों एक और जाली वाला चिमटा मिलने वाला है, जिसमें आप पूरी पूरी या फिर सेव जैसी चीज़ें तल सकते हो, तो काफ़ी बेस्ट दिया हुआ है, और इस बार थोड़ा सा बड़ा भी दिया है। और यहाँ पे है दोस्तों हमारे कप रखा भी, तो ये देखिए कुछ इस तरह से कप मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा कप है, और रखा भी आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग दे रही है। और यहाँ पे दोस्तों हमारे दो लास्ट चीज़, पहले मैं इसको निकाल ही देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्यारी सी कटोरी मिलने वाली है, जिसमें आप लोग यार बेसन वेसन कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पे है भोजन की डिश, जो आप लोगों ने यार फिल्मों में या फिर टीवी सीरियलों में देखी होगी, बहुत बड़ी डिश होती है, उसमें ये देखिए यहाँ पे दाल आती है, राइस, यहाँ पे अथाना भी आता है, और यहाँ पे चपाती, इस तरह से कुछ डिश बनाई गई है। ये कुछ थोड़ा सा दोस्तों नया दिया है। तो अभी दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ मॉडर्न किचन सेट को, देखते हैं कि अंदर से क्वालिटी कैसी है। इसमें तो दोस्तों बैगी जैसा दिया है, इसमें कोई भी ओपन ओपन होने वाला नहीं है। ये कुछ इस तरह से ठेली मिलने वाली है आपको, तो ये खुल जाएगी। तो पहले तो कुछ यार अजीब सी चीज़ मिली है हमें, ये शायद मफड़ी जैसा दिख रहा है, आप दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना ये क्या है। मुझे तो यार मफड़ी जैसा ही दिख रहा है, लेकिन यार एक ही दी है या ढेर सारी दे दे तो अच्छा होता। क्वालिटी की बात करो दोस्तों आपको काफ़ी शानदार क्वालिटी मिलने वाली है, बेस्ट क्वालिटी है। और यहाँ पे दोस्तों आपको हैंडल वाली कढ़ाई भी मिलने वाली है, काफ़ी शानदार फिनिशिंग है और काफ़ी बेस्ट लुक भी है, ये देखिए। और अंदर का दोस्तों नज़ारा देख सकते होंगे, कुछ इस तरह से आपको स्टिकर भी है, फिर बेस्ट कढ़ाई है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक केले का गुच्छा मिलने वाला है, इसका नाम बता दो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे यार मैंने इसको देखा तो है कहीं भी। और ये रहा दोस्तों हमारा ब्रेड मेकर, तो आप लोग क्वालिटी देख सकते होंगे काफ़ी शानदार बनाया गया है। और ये सिर्फ दोस्तों 100 पीस के लिए है, इसमें कोई भी बटन बटन आने वाला नहीं है, और आप अगर ब्रेड को निकालना चाहो तो हाथ से ही निकाल सकते हो, ये कुछ इस तरह से वापस से सेट हो जाएगी। हमारा बाहर आने वाला है मिक्सर, मिक्सर का तो पीछे का भी ढक्कन निकल गया, तो एक ही दिया है मिक्सर, यहाँ पे दो आने वाले नहीं है। और इसमें आपको एक बहुत ही प्यारा सा ग्लास भी मिलने वाला है प्लास्टिक का,
और काफ़ी यूनिक है, जूस बूस पीने के लिए शायद दिया होगा। पहले मैं इसका पीछे का ढांचा ही ले आता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको मिक्सर मिलने वाला है एक ही, और अंदर ये देखिए कुछ गड़गड़ी भी दी हुई है और ये देखिए घूम भी रही है, बहुत ही मस्त दिया यार। और काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है दोस्तों, काफ़ी बेस्ट मिलने वाला है आपको। ये देखिए इस तरह से दिखेगा और ये लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों आरओ वाटर भी आपको मिलने वाला है, लेकिन ये सिर्फ सोप पीस के लिए। और यहाँ पे दोस्तों दो दो नल दिए हुए हैं ठंडा पानी, बहुत ही मज़ा आने वाला है पीने के लिए। और ये देखिए इसका कैरबा जो है वो निकलता है, लेकिन ये सिर्फ सोप पीस के लिए ही दिया है। अगर आप इसके अंदर पानी डालोगे ना तो यहाँ से निकल जाएगा। दोस्तों इस चीज़ को तो यार आप लोगों ने यार बहुत बार देखी होगी, मैंने तो यार बहुत बार देखी है, क्योंकि यार ये जो चीज़ यूज़ करता है वो सिंचन ही है और कोई यूज़ नहीं करता। क्योंकि ये जो होता है वो एक कुकर होता है राइस बनाने का, जिसमें यार राइस वाइस बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ सेफ जैसा स्टिकर भी लगाया गया है, और ये सिंचन ज़्यादातर यूज़ करता है, और इसके अंदर राइस वाइस वही बनाता है, वही खाता है। कौन कौन दोस्तों सिंचन का शो देखता है वो भी कमेंट से ज़रूर बताना। और काफ़ी बेस्ट कुकर दिया है। और हमारे ओवन को भी देख ही लेते हैं, ओवन तो क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है, सेमी मटेरियल का, यहाँ पे कोई भी ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। मुझे लगा कि यह लाइट वाइट ज़रूर होगी, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक हैंडल दे दिया है और कुछ भी नहीं है अंदर। अगर अंदर प्लेट दे देते तो भी अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सोपीस का स्टिकर लगाया गया है, यहाँ पे बटन है ऑन ऑफ के। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, जैसे कि एक प्यारी सी डिश हो गई छोटी वाली, जो काफ़ी मस्त शेप में और हार्ड शेप है, यहाँ पर ये देखिए, और इसकी स्टाइल भी आप लोग देख ही सकते होंगे। और यहाँ पे करेला भी है आधा अधूरा, एक यहाँ पे पाव भाजी बनाने के लिए चिमटा भी है, ये आपको शिमला मिर्च मिलने वाली है येलो कलर की, ये शायद केकड़ा है ये देखिए, और एक छोटी सी चम्मच जो यार काफ़ी प्यारी सी दिखती है। मैं दोस्तों फ्रीज़र को बाहर निकाल देता हूँ, काफ़ी भारी फ्रीज़र है यार, शायद इसमें कुछ खाने की चीज़ें भी दी होंगी। आपको पीछे का लुक दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है। प्लास्टिक भी बहुत ही बेस्ट है सेमी क्वालिटी का, ये देखिए। और दोस्तों डबल डोर है ये वाला, एक डोर नहीं है। पहले मैं आपको पहला वाला डोर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, जिसमें यार बर्फ़ बर्फ़ या फिर आइसक्रीम आइसक्रीम कुछ भी रख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ रखने की जगह है, वाटर बॉटल भी रख सकते हो। और ये रहा दूसरा वाला डोर, जिसमें दोस्तों आप यार कुछ भी यार सब्जी वब्जी भी रखने की जगह है, यहाँ पर बॉटल भी रख सकते हो, कुछ या छोटी मोटी चीज़ें यार फ्रूट्स या फिर दोस्तों रसना की बोतल या कुछ भी। और ये वाला जो फ्रिज है दोस्तों थोड़ा सा टूटा हुआ भी आया है अंदर से, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए टूटा हुआ है, पता नहीं यार कैसे टूटा हुआ आया है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी तो बेस्ट ही है, देखिए काफ़ी मजबूत है ये देखिए। और दोस्तों हमारी लास्ट चीज़ गैस स्टोव प्लेटफॉर्म, काफ़ी यूनिक प्लेटफॉर्म दिया है और काफ़ी बड़ा भी है, और इस प्लेटफॉर्म को आप लोग देख ही सकते होंगे अंदर कुछ है तो खास है। तो यहाँ पे आपको पहले तो वजन कांटा मिलने वाला है, दो गैस स्टोव है जिसमें आप लोग यार दाल या फिर रोटी बना सकते हो। यहाँ पे ऑन ऑफ के बटन है, लेकिन काम करने वाले नहीं है, सिर्फ सो पीस के लिए। और ये है दोस्तों वॉश बेसिन, और इसका नल कहाँ है, शायद अंदर ही होगा। तो ये आपको एक डोर मिलने वाला है और अंदर एक नल है, तो ये देखिए बहुत ही छोटा सा नल है, तो इस नल को ये देखिए इस तरह से अटैच करना पड़ेगा। और ये देखिए दोस्तों अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। और ये वाला सिर्फ शोपीस के लिए स्टिकर लगाया गया है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे एक और कबाड़ मिलने वाला है आपको, काफ़ी यार मस्त प्लेटफॉर्म बनाया गया है, अच्छा है। दोस्तों वीडियो अभी तक तो ख़त्म हुई नहीं है, लास्ट में इन दोनों का सेटअप दिखाने वाला, तो प्लीज़ यार लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। आप लोगों को इन दोनों में जो कौन सा वाला किचन सेट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे तो यार सबसे बेस्ट किचन सेट लगा वो है स्टील का किचन सेट, क्योंकि यार इसमें कुछ भी यार टूटने मुटने वाला जैसा सामान आने वाला ही नहीं है, क्योंकि यार इसमें प्योर स्टील से बनाया गया है किचन सेट। और ये वाला दोस्तों प्राइस के हिसाब से बेस्ट है, लेकिन आप लोगों ने यार देखा ही कि इसमें फ्रिज जो है वो थोड़ा सा टूटा हुआ आया है। दोस्तों प्लास्टिक है वो भी काफ़ी मजबूत और बेस्ट है। तो जल्दी से जल्दी मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वाला हो। तो चले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।